नमस्कार दोस्तों, इस स्टूडियो आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड आज की जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि बात करने जा रहा हूं नॉर्थ ईस्ट और बेंगलुरु के बारे में। दोनों टीम जो है बहुत ही अच्छे टीम है। अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में, तो भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इस साल बहुत अच्छा खेला। इससे पहले अगर देखा जाए सीजन 1, सीजन 2, सीजन 4 जो भी खेलो आप, भाई उतना अच्छा खेल नहीं दिखा पाया। लेकिन अगर बात करें इस साल के बारे में, यानी कि आईएसएल 2018-19 सीजन 5 के बारे में, काफ़ी अच्छा खेल दिखा है। उसी के साथ साथ अगर बात करें बेंगलुरु के बारे में, भाई बेंगलुरु एक बहुत ही अच्छा टीम है जो कि अच्छे अच्छे प्लेयर तो है। उसी के साथ अगर बात करें खेल काफ़ी इंटरेस्टिंग खेलते हैं। पॉइंट टेबल अगर देखा जाए जो कि सबसे ऊपर है इस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में, अगर बात करें 4 नंबर पे है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था जो सेमीफाइनल खेलने वाला है वो खेलेगा टॉप 1 और टॉप 4। यानी कि भाई जो है भाई बेंगलुरु एफसी इस टाइम पे टॉप 1 में है। और टॉप 4 के बारे में अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी है। और ऐसे में अगर बात करिए दोनों टीम जो सेमीफाइनल लीग खेलने वाले हैं, जो कि दो मैच देखा जाएगा सेमीफाइनल में। पहला जो मैच होने वाला है वो होगा गुवाहाटी से लाइव 7 तारीख को, और दूसरा जो मैच होने वाला है वो खेलेगा भाई बेंगलुरु से लाइव होने वाला है। और यानी कि भाई बेंगलुरु की होम ग्राउंड में खेलने वाले, खेल काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। दोनों टीम बहुत ही अच्छी टीम है। अभी हम बात करते हैं भाई ये दोनों टीम जो खेलने वाले हैं, भाई दो मैच, ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं है। बहुत सारे लोग शायद सोचते हैं कि भाई दो मैच खेलने की क्या जरूरत है, हम नॉर्मली खेलते हैं एक मैच और जो जीत जाते हैं वो खेलते हैं फाइनल। और ऐसे में अगर बात करें आईएसएल के बारे में, आईएसएल में ऐसा नहीं है, दो मैच होते हैं जो कि एक खेला जाता है नॉर्थ ईस्ट। यानी कि भाई जो दो टीम खेलते हैं अपने अपने होम ग्राउंड में एक एक मैच खेलते हैं, और जो ज़्यादा गोल डालते हैं वही हो जाते हैं भाई फाइनल पे जाते हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए, मान लो भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 7 तारीख को 2 गोल डाला, और अगर बात करें बेंगलुरु एफसी में जो मैच होने वाले वही मैच में बेंगलुरु एफसी ने 2 से ज्यादा गोल डाले, तो बेंगलुरु एफसी जाएगा भाई फाइनल में। और अगर बेंगलुरु एफसी उस दिन उतना अच्छा खेल नहीं दिखा पाए, यानी कि 1 गोल डाल दिया या फिर हो जाए खेल दूर, या फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने गोल डाल दिया, ऐसे में भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जाएगा फाइनल में। तो फिर अभी हम बात करते हैं जो प्रैक्टिस वगैरह कैसे चल रहा है, तो फिर देख लेते हैं भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की प्रैक्टिस। जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है। बेंगलुरु एफसी के बारे में अगर बात करें, बेंगलुरु एफसी भी काफी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस कर रहा है। अभी हम देख लेते हैं भाई क्या लाइनअप होने वाला है। तो भाई लाइनअप के बारे में बोलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि खेल आगे जाएगा और कुछ दिन बाद है, यानी कि भाई टाइम थोड़ा ज़्यादा है। और ऐसे में अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में जो अच्छे अच्छे प्लेयर है, पठनों में ओवैसी और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है। उसी के साथ साथ अगर बात करें भाई बेंगलुरु के बारे में, बेंगलुरु में भी अच्छे अच्छे प्लेयर है, सभी प्लेयर खेलने वाले, क्योंकि ये सेमीफाइनल की मैच है और खेल काफ़ी मजेदार होने वाला है। तो फिर अभी हम बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन के बारे में, भाई कौन जीत सकता है। भाई काफ़ी मुश्किल सवाल है, क्योंकि भाई ये सेमीफाइनल की मैच है। जो टीम है, दो टीम अगर देखा जाए बेंगलुरु और भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी दोनों के बारे में अगर बात करें, दोनों टीम जो बहुत ही अच्छे टीम है, ऐसे में बोलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आप मुझे पूछते हैं तो भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का चांसेस मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए 51% है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की जीतने की। अगर बात करें बेंगलुरु के बारे में जो कि है 49% चांसेस की, तो फिर आपको क्या लगता है कमेंट पे एक बार बताना जरूर कि मैं कौन जीत पाएगा। तो फिर आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थे, बस इतना ही आपको बोलना था कि 7 तारीख को जो खेल होने वाला है गुवाहाटी से लाइव होने वाला है, और ऐसे में खेल काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो फिर अगर आपको ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगा तो 1 लाइक जरूर करना, और कमेंट पर बताना कि भाई ये मैच कौन जीतने की चांसेस ज़्यादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे इससे क्या होगा, तो फिर आपसे और मुझसे एक रिश्ता बन जाता है जो कि भाई बहुत ही अच्छा होता है, और आगे जाकर जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप ही देख पाओगे, ये काफ़ी कमाल की है। तो फिर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।